हेलो लर्नर्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर लर्निंग वोकैबुलरी थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक मेथड, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियोस, यू कैन फाइंड द लिंक्स फॉर दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो ओनली, एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड बिगिन आवर टुडे सेशन। द फर्स्ट वर्ड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इज beware. Beware is a verb which means to be on one's guard. It means to be careful. If I am saying beware, beware of dogs, beware of miscreants, it means I am making you cautious. Agar main aapse keh raha hu beware, beware of dogs, to aap kutte se savdhan ho jaiye, satark ho jaiye. To agar beware ka hum hindi mein matlab dekhen, तो बिवेयर का हिंदी में मतलब होता है सतर्क, सतर्क, सतर्क करना करना, या आप कह सकते हो सावधान करना। दोनों का मतलब ही सेम है, सावधान करना, सतर्क करना या सावधान करना, बिवेयर का हिंदी में मतलब होता है। लेट्स लुक एट आवर जीआईएफ। आप जीआईएफ में देख सकते हो द वर्ड कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी, सतर्कता। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। तो अब इसको हम निमोनिक से कैसे रिलेट करेंगे, लेट्स लुक एट इट। तो बीवेयर को अगर आप देखोगे तो यू कैन सी बी प्लस अवेयर, बी प्लस अवेयर। बी मतलब सिंपली होना, वर्ब का फॉर्म है। अवेयर का मतलब जानकारी होना। अगर आप किसी चीज से अवेयर हो तो आपको उस चीज की जानकारी है, तो बी अवेयर का मतलब होगा अगर आपके पास जानकारी होगी, आपके पास अवेयरनेस होगी, तभी आप क्या होगे, बीवेयर होगे। तो बी प्लस अवेयर से बीवेयर, सतर्क करना या सावधान करना। सो लेट्स लुक एट सिनोनिम्स। गार्ड, लुकआउट, वॉच आउट। दीज थ्री वर्ड्स, गार्ड, लुकआउट, वॉच आउट, आर द सिनोनिम्स ऑफ बीवेयर। लेट्स लुक एट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड बीवेयर। ओवरलुक, इग्नोर, डिसरिगार्ड। द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज थ्री वर्ड्स, ओवरलुक, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड, आर एंटोनिमस to the meaning of word beware. So all these three words, overlook, ignore and disregard, are antonyms of word beware. Let's look at an usage of the word beware. You should beware of miscreants. तुम्हें सतर्क रहना चाहिए किससे, miscreants से। You should beware of miscreants. Miscreants are people who create problems for others. These people are antisocial. Let's look at our next word of the day. The next word which we have is burnish. Burnish is a verb. It means to make shiny, especially by rubbing. तो burnish का हिंदी में मतलब क्या होता है, चमकदार बनाना, चमकदार बनाना, burnish का मतलब होता है। Let's look at our GIF. तो जी आई एफ, यू कैन सी हियर अ पीस ऑफ आयरन। आप इस आयरन पीस को आप देख रहे हो कि इट इज बीइंग मेड शाइनी, इट्स बीइंग मेड शाइनी। इसको घिस करके चमकदार बनाया जा रहा है, तो इसको क्या किया जा रहा है, बर्निश किया जा रहा है। निमोनिक्स देख लेते अपना, इसको कैसे रिलेट करेंगे। बर्निश, बर्निश इज सिमिलर साउंडिंग टू द वर्ड फर्निश, फर्निश। अगर हम स्पेशली बात करें कि रूम, अगर आप फर्निश्ड रूम की बात करते हो तो फर्निश्ड रूम कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड बर्निश। पॉलिश, फर्बिश, ग्लॉस। दीज थ्री वर्ड्स, पॉलिश, फर्बिश, ग्लॉस, आर सिनोनिम्स ऑफ बर्निश। लेट्स लुक एट एंटोनिम्स। रफेन, रफल,
स्कफ अप। दीज थ्री वर्ड्स रफन, रफल, स्कफ अप आर एंटोनिम्स ऑफ बर्निश। लेट्स लुक एट एन यूसेज। द क्वीन बर्निशेज हर स्वॉर्ड्स रेगुलरली। तो क्वीन जो है वो अपने स्वॉर्ड्स को, तलवार को क्या करती है, बर्निश करती है, चमकदार बनाती है ऑन रेगुलर बेसिस। लेट्स लुक एट ऑन नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टूडे इज बाइफर्केट। बाइफर्केट, बाइफर्केट इज अ वर्ब विच मीन्स टू कॉज टू डिवाइड इंटू टू ब्रांचेज और पार्ट्स। इफ यू बाइफर्केट समथिंग इट मीन्स यू हैव डिवाइडेड इट इंटू टू पार्ट्स। दो अलग भागों में, दो अलग भागों में, भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है, बाइफर्केट करना कहलाता है, दो अलग भागों में विभाजित करना। लेट्स लुक एट आवर जीआईएफ। यू कैन सी इन द जीआईएफ यहां पे एक प्लाई बोर्ड है। प्लाई बोर्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो पहले एक था तो इसको क्या कर दिया गया है, बाइफर्केट कर दिया गया है। अब इसको हम निमोनिक से कैसे रिलेट करें, बाई, बाई मतलब क्या होता है, टू, बाई प्लस फॉर्क। फॉर्क, फॉर्क क्या होता है, आपने कटलरी में देखा होगा कि एक स्पून होता है जिसका हेड ऐसे होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये स्पून हो गया, स्पून, और इस तरीके से, इस तरीके का स्पून होता है कटलरी में, ये इस तरीके का स्पून होता है कटलरी में, उसको क्या कहते हैं, फॉर्क कहते हैं। फॉर्क से क्या करो, बाइफर्केट करो, फॉर्क से बाइफर्केट, बाइफर्केट, इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि बाई का मतलब टू होता है और फॉर्क का मतलब होता है ये कटलरी में एक, ये जो स्पून होता है इस तरीके का, उसको यूज करते हैं हम कट करने के लिए उसको पीसेस में अपने मील को, तो इसको फॉर्क से बाइफर्केट आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बाइफर्केट। सेपरेट अलग करना, पार्टीशन बांटना, डिलिंक अलग करना। ऑल दीज थ्री वर्ड्स सेपरेट, पार्टीशन, डिलिंक आर सिनोनिम्स ऑफ बाइफर्केट। लेट्स लुक एट एंटोनिम्स। असेंबल इकट्ठा करना, लिंक जोड़ना, एसोसिएट जोड़ना। ऑल दीज थ्री वर्ड्स असेंबल, लिंक, एसोसिएट आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बाइफर्केट। लेट्स लुक एट एन यूसेज। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बाइफर्केटेड टू प्रोवाइड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स लुक एट ऑन नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टूडे इज एमिकेबल। एमिकेबल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रेंडली गुडविल। इफ समथिंग इज एमिकेबल इट मीन्स इट इज फ्रेंडली, इट इज फ्रेंडली। अगर कोई चीज एमिकेबल है या कोई एमिकेबल है तो वो कैसा है, मैत्रीपूर्ण है, मैत्रीपूर्ण, मित्रवत, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। लेट्स लुक एट आवर जीआईएफ फॉर द वर्ड एमिकेबल। यू कैन सी टू लेडी देयर इन द पिक्चर, दे आर सेइंग चीयर्स, दे आर हैविंग पार्टी टुगेदर, सो इट मीन्स दे हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो यू कैन अंडरस्टैंड दे शेयर अ फ्रेंडली गुडविल। सो हाउ डू वी रिलेट इट टू निमोनिक, सो लेट्स लुक एट इट। एमिकेबल, ए मेकेबल, इट इज समहाउ सिमिलर साउंडिंग टू ए प्लस मिक्सेबल, मिक्सेबल। इफ समथिंग इज मिक्सेबल इट मीन्स इट इज ईजी टू बी मिक्सड। मिक्सेबल, मिक्स करने का क्या मतलब होता है, मिक्स करने का मतलब होता है मिलाना। अगर कोई चीज मिक्सेबल है तो
उसको इजीली मिक्स किया जा सकता है, इजीली एक दूसरे में ढाला जा सकता है। तो एमिकेबल से इट इज समहाउ सिमिलर टू एमिक्सेबल। तो कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई व्यक्ति जो मिक्सेबल हो, जो आसानी से घुल मिल जाए, वो कैसा होगा? एमिकेबल होगा, एमिकेबल होगा, मैत्री पूर्ण होगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिकेबल। कॉर्डियल, फ्रेंडली, बॉनमश, बॉनमश। ऑल दीज थ्री वर्ड्स गिवेन हियर, कॉर्डियल, फ्रेंडली, बॉनमश, आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिकेबल। लेट्स लुक एट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिकेबल। इनकंपैटिबल, इनहारमोनियस, डिस्कॉर्डेंट। ऑल दीज थ्री वर्ड्स गिवेन हियर, इनकंपैटिबल, इनहारमोनियस, इनकंपैटिबल, इनहारमोनियस, डिस्कॉर्डेंट। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ एमिकेबल। लेट्स लुक एट एन यूसेज। इंडिया ऑलवेज ट्राइज इट्स बेस्ट टू हैव एमिकेबल टाइज विद पाकिस्तान। इंडिया हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उसके साथ जो पाकिस्तान के संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण रहें। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टूडे इज एम्पलीफाई। एम्पलीफाई इज ऑल्सो अ वर्ब। इट मीन्स टू मेक लार्जर और ग्रेटर। इफ समथिंग इज गिवन टू यू, इफ यू आर एम्पलीफाइंग इट, इट मीन्स यू आर मेकिंग इट मोर एंड मोर। इट मे बी इन क्वांटिटी, इट ऑल्सो मे बी इन क्वांटिटी। सो लेट्स लुक एट द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड एम्पलीफाई। इफ यू लुक एट द हिंदी मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई, इट मीन्स बढ़ाना, बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। लेट्स लुक एट आवर जीआईएफ फॉर द वर्ड एम्पलीफाई। यू कैन सी हियर साउंड वेव्स, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन राइज। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे दैट यू एम्पलीफाई साउंड वेव्स। सो लेट्स लुक एट हाउ डू बी रिलेटेड विथ अ निमोनिक। सो एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, इन द वर्ड एम्पलीफाई यू कैन सी एम्पल, एम्पल, एम्पल मीन्स एम्पल। इफ वी से दैट समथिंग इज इन एम्पल, इट मीन्स इट इज इन एब्यूंडेंस। इफ समथिंग इज एम्पल, इट इज इन एब्यूंडेंस। भारी मात्रा में है वो, अधिक मात्रा में अगर कोई चीज एम्पल है तो एम्पल से आप एम्पलीफाई को समझ सकते हो अधिक मात्रा में। एम्पल का मतलब था अधिक, ज्यादा। तो एम्पल से एम्पलीफाई को आप समझ सकते हो कि एम्पलीफाई कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को बढ़ा रहे हो। लेट्स लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एम्पलीफाई। अग्रेंडाइज, ऑगमेंट, इंक्रीज। द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर सिनोनिमस टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पलीफाई। इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी होता है बढ़ाना, एग्रेंडाइज, ऑगमेंट, इंक्रीज। लेट्स लुक एट सम ऑफ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्पलीफाई। रेड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश। ऑल दीज थ्री वर्ड्स गिवेन हियर, रेड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश, आर एंटोनिमस इन देयर मीनिंग टू द वर्ड एम्पलीफाई। लेट्स लुक एट एन यूसेज। ही नीड्स टू एम्पलीफाई साउंड म्यूजिक ऑफ हिज मूवी। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टूडे इज एनाइलेट। एनाइलेट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एनाइलेट, एनाइलेट।
Annihilate is a verb which means to cause to cease to exist. If you annihilate something, it means you are making sure that it does not exist further. If you have annihilated something, you have completely destroyed it. पूरी तरीके से नष्ट करना, पूरी तरह से नष्ट करना, नष्ट करना annihilate का हिंदी में मतलब होता है. लेट्स लुक एट आवर GIF. यू कैन सी हियर द एंड रिटन इन GIF. आप देख सकते हो कि GIF में द एंड लिखा हुआ है. द एंड आपने देखा होगा कि जब आप मूवी देखते हो तो उसके लास्ट में लिख करके आता है द एंड, जब मूवी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है. तो इससे हम समझ सकते हैं annihilate का मीनिंग. अब निमोनिक से कैसे रिलेट करें annihilate. तो annihilate में आप देख सकते हो ANNINI प्लस HIL प्लस ATE. तो एनी HIL से हिल आप समझ सकते हो, बट HILL होता है, यहाँ पे HIL है लिखा है हमने, फिर भी आप इसको हिल समझ सकते हो. फिर एट, एट जो है ईट का, ईट वर्ब का सेकंड फॉर्म है. तो एनी हिल पर आकर के उसने वहां का क्या किया, सारे रिसोर्सेस एट कर लिया, खा लिया. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड annihilate. ड्राउन्स, ब्लो अवे, राउट. ऑल दीज थ्री वर्ड्स गिवन हियर, ड्राउन्स, ब्लो अवे, राउट, आर सिनोनिमस इन देयर मीनिंग टू द वर्ड annihilate. लेट्स लुक एट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड annihilate. कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, बिल्ड आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड annihilate. लेट्स लुक एट एन यूसेज. We should be resolved to annihilate the caste system. We should be resolved to annihilate the caste system. Let's look at the next word of today's session. The next word which we have today is abnegation. Abnegation. Abnegation is a noun which means to give up or to renounce. अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अस्वीकार, अस्वीकार. एबनिगेशन का मतलब होता है स्वीकार. एबनिकेट करने का मतलब होता है, अगर आप एबनिगेशन से वर्ब बनाना चाहो तो आप एबनिगेट वर्ब बना सकते हो, उसका मतलब होगा टू गिव अप और टू रिनाउंस. बट जब आप एबनिगेशन कह रहे हो तो आप नाउन के सेंस में बात कर रहे हो, तो उस सेंस में इसका मतलब होगा अस्वीकार. Let's look at our GIF. No. आप यहां पे देख सकते हो no. मतलब अस्वीकार है, ये अस्वीकार्य है. यहां पे अस्वीकार करने की बात की जा रही है. आप इसको इस तरीके से इस GIF को देख करके मीनिंग समझ सकते हो abnegation का. अब निमोनिक से कैसे इसको रिलेट करें. अब निगेट. अब प्लस निगेट. एबनिगेशन से आप ये दोनों वर्ड निकाल सकते हो. ये वर्ड तो नहीं कहेंगे इसको, बट इनको आप इस तरीके से निकाल के देख सकते हो. एब, अब प्लस निगेट करने का मतलब होता है नकारना. अब अस्वीकार करो. एबनिगेशन का मतलब स्वीकार. निगेट का मतलब आप निगेटिव से समझ सकते हो. निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक. तो abnegation का मतलब होगा अस्वीकार करना. Let's look at synonyms of the word abnegation. Denial, rejection, renunciation. All these three words, denial, rejection, renunciation, are synonyms of the word abnegation. Let's look at some of the antonyms of the word abnegation. All these three words given here, indulgence, attachment and favor, are antonyms of the word abnegation. Let's look at an uses of the word abnegation. Buddhism believes in self-abnegation to achieve
निर्माण। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टुडे इज बार्जर। बार्जर इट इज प्रोनाउंस्ड एज बार्जर। बार्जर इज अ नाउन। इट मीन्स समवन हु ट्रेड्स इन गुड्स और कमोडिटीज फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा वस्तु विनिमय करने वाला। वस्तु विनिमय करने वाला, विनिमय करने का मतलब होता है एक्सचेंज करना। वस्तु विनिमय करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय जो करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बार्जरर बोलते हैं। तो बार्जरर कौन होता है, जो वस्तुओं को, गुड्स को, कमोडिटीज को, सर्विसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो वस्तु विनिमय करने वाला, करने वाला आपका बार्जरर कहलाएगा। जेएफ देख लेते हैं। आप इस जेएफ में देख सकते हो दो लड़कियां हैं और एक लड़की के हाथ में फूल है और दूसरे लड़की के हाथ में एक कमोडिटी है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, उस कमोडिटी को एक्सचेंज कर रही हैं। तो इसको हम निमोनिक्स कैसे देखें, तो हम बार्जर में, बार्जर जो हमारा बार्जर सिस्टम है आपको पता होगा, इसको बार्टर भी कहीं कहीं प्रोनाउंस किया जाता है, बट जो मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है इसका वो बार्जर होता है। तो बार्जर सिस्टम आपको अगर पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। बार्जर सिस्टम में क्या होता है, बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ करेंसी और एनी फॉर्म ऑफ मनी, जब मनी नहीं थी तो क्या होता था, लोग ट्रेड कैसे करते थे, ट्रेड तो करते थे लोग उस समय भी, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ चीज है और मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ पे करना होता है। तो बार्जर सिस्टम में क्या होता है, जब आज तो मनी है हमारे पास, पैसा है, हम पैसे से कुछ भी खरीदते हैं, कोई दूसरा पैसे से फिर कुछ खरीदता है हमसे, बट हम उस समय क्या होता था, जब मनी नहीं थी, कोई करेंसी नहीं थी हमारे पास, तो हम चीजों को आपस में बदलते थे, चीजों की अदला बदली करते थे, उसको ही बार्जर सिस्टम कहा जाता था। उसमें उसमें एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के लिए बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, उसमें मनी का यूज नहीं होता था। तो आप बार्टर, बार्जर सिस्टम से या बार्टर सिस्टम से बार्जर या बार्टर को समझ सकते हो। सो लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बार्जर। ट्रेडर, मर्चेंट, सेलर। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ट्रेडर, मर्चेंट, सेलर, इन तीनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो नियरेस्ट है मीनिंग के, जो कि बार्जरर का है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके कुछ। कस्टमर, बायर, कंज्यूमर। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, बायर का मतलब होता है खरीदने वाला, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कस्टमर, बायर, कंज्यूमर, ये तीनों वर्ड्स बार्जर एंटोनिम्स हैं लगभग। लेट्स लुक एट द यूसेज। दोज हु सेल और परचेज गुड्स फॉर गुड्स आर कॉल्ड बार्जरर। सो लेट्स लुक इट ऑन नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव टूडे इज बीसेट। बीसेट इज अ वर्ब विच मीन्स टू सब्जेक्ट टू हरास और ट्रबल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो बीसेट एक वर्ब है, टू सब्जेक्ट टू हरास और ट्रबल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इसका मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है घेर लेना। बीसेट का मतलब घेर लेना, और क्या घेर लेना, मुसीबत, मुसीबत या संकट, मुसीबत या संकट, चारों तरफ से मुसीबत या संकट घेर लेना क्या कहलाता है, बीसेट। लेट्स लुक एट और जीआईएफ। जीआईएफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जानवर है जो कि पहले से ही उसके पीछे कुछ अन्य जानवर लगे हुए थे और पीछे से एक आकर चारों तरफ से घेरे हुए थे और ये पीछे से एक आकर के उसको और वहां मार देता है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके लिए जो मुसीबत है, वो संकट है, वो मुसीबत में चारों तरफ से घिरा हुआ है। निमोनिक्स कैसे रिलेट करें इसको, तो बेसेट में आप देख सकते हो बी 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 को हम इस तरीके से लिख देंगे, बी प्लस सेट। बेसेट बेसेट में आप देख सकते हो कि बीज प्लस अटैक। अगर आप देखो ये सिमिलर साउंडिंग है, बेसेट सिमिलर साउंडिंग है बी अटैक के। तो बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खियां, मधुमक्खियां होता है। बीज मतलब मधुमक्खियां होता है, तो बी बी मतलब क्या होगा, मधु मक्खी। प्लस अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण। तो जब मधुमक्खियां आक्रमण करती है तो वो चारों तरफ से आक्रमण करती है, तो हम बेसेंट का मतलब बीस प्लस अटैक से समझ सकते हैं। लेट्स लुक एट सिनोनिम्स। स्ट्राइक, असॉल्ट, ट्रबल, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, स्ट्राइक, असॉल्ट, ट्रबल, ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं बेसेंट के। एंटोनिम्स देख लेते हैं। रिलीव, सोलेस, कंफर्ट, ये जो तीनों वर्ड्स हमारे, रिलीव, सॉलेस, कंफर्ट, ये तीनों वर्ड्स बेसेट के एंटोनिम्स हैं। लेट्स लुक एट एन यूसेस। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज एंड अब्यूज ऑफ सेडिशन लॉज बेसेट सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन। द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन वी हैव इज एप्रिहेंड। एप्रिहेंड इज अ वर्ब विच मीन्स टू अरेस्ट और सीज। एप्रिहेंड करने का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना या गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। एप्रिहेंड करने का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना या सीज करना, जब्त करना। जीएफ देख लेते हैं। यू कैन सी अ पर्सन इन चेन, यहाँ पे आप देख सकते हो जंजीरों में जकड़ा हुआ, इसको गिरफ्तार किया गया है। यू कैन सी ही इज इन साइकिल, उसके हाथों में आप देख सकते हो हथकड़ी देख सकते हो। तो ये निमोनिक्स कैसे इसको रिलेट करें एप्रिहेंड को। एपर, एपर आप यहाँ पे देखो, ए डबल पी आर ई, एपर प्लस हैंड। एपर सिमिलर साउंडिंग टू अपर, अपर प्लस हैंड। आप देखो जब किसी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, आपने मूवी में देखा होगा कि जैसे ही वो आते हैं वो कहते हैं हैंड्स अप, तो हैंड को अप कर लो, हैंड्स अप। अपर से अपर हो गया, अपर का मतलब होता है ऊपर, तो हैंड्स अप, हैंड्स क्या कर लो, ऊपर कर लो, हैंड्स अप। तो इस तरीके से आप इसको एप्रिहेंड को अपर हैंड से समझ सकते हो रिलेट करके। लेट्स लुक एट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एप्रिहेंड। इम्प्रिजन, डिटेन, कन्फाइन। लेट्स लुक एट एंटोनिम्स। रिलीज, अनचेन, अनसाइकल। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, रिलीज, अनचेन, अनसाइकल। अनसाइकल का मतलब हथकड़ियां तोड़ना होता है, अनचेन का मतलब होता है कि जंजीरें तोड़ना, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, रिलीज, अनचेन, अनसाइकल, एप्रिहेंड के एंटोनिम्स हैं। लेट्स लुक एट एन यूसेज ऑफ द वर्ड एप्रिहेंड। ही वॉज एप्रिहेंडेड बाई अ टीम ऑफ ट्रेन्ड पुलिस पर्सनल अंडर होम मिनिस्ट्री। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। हमारे और भी वीडियोज़ जो हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को देखते रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोज़ हैं वो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको और भी
मिलते रहे और आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन इन वीडियोस की पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।